आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों प्रणाम। कोई भी बीमारी आपको तभी जकड़ती है जब आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो या आपका खान पान सही नहीं हो, आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं हो, तभी आपको कोई ना कोई बीमारी जकड़ती है। अदरवाइज यदि आपका संतुलित भोजन है, संतुलित आहार है, संतुलित विचार है, संतुलित दिनचर्या है, तो आपको कोई भी बीमारी कभी नहीं जकड़ेगी। कम से कम बहुत सारी जो गंभीर बीमारियां हैं वो तो कम से कम नहीं ही होगी किसी भी हालत में, यदि आपका खान पान रहन सहन सारा सही है, इम्यूनिटी लेवल अच्छा है। और इम्यूनिटी लेवल को अच्छा बनाए रखने के लिए हमने बहुत सारी नेचुरल चीजें बता रखी है आप लोगों को, बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं। लेकिन अभी जो परिस्थितियां चल रही है उसमें एक नई महामारी का खतरा पैदा हो गया है। पिछले 3 साल से कोरोना वायरस महामारी की मार झेल रही दुनिया के सामने जल्द ही एक और बड़ा संकट आने वाला है। दुनिया को एक नई महामारी का सामना करना पड़ सकता है जो कि कोविड से भी ज्यादा खतरनाक होगी। ये चेतावनी मेरी नहीं है, ये चेतावनी WHO की है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है। उनके चीफ डॉक्टर ट्रेडोस अदनोम गेब्रेयेसस ने जिनेवा में हुई वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग में यह जानकारी दी। इससे पहले कि मैं इस बात पर आगे कहूं, एक बात मैं बहुत स्पष्टता से निवेदन करना चाहता हूं कि जब कोरोना महामारी की शुरुआत नहीं हुई पूरे विश्व में, केवल चीन में एक केस आया और तभी 21-22 दिसंबर को मैंने सोशल मीडिया पर एक आर्टिकल डाला था कि ये जो कोरोना है ये महामारी का रूप लेगा और पूरे विश्व में इसका असर होगा और पूरे विश्व में जो है लोगों को परेशानी होगी, बहुत सारे लाखों लोग मर सकते हैं। ये संभावना 21-22 दिसंबर को मैंने एक अपने आर्टिकल में लिखी है जो मैंने पूरे सोशल मीडिया में डाला है। लेकिन उस समय में लोगों को विश्वास नहीं था। दरअसल मैं कोई विद्वान या ज्योतिषी या कोई बहुत बड़ा पंडित नहीं हूं, लेकिन चार घंटे कम से कम मैं नियमित रूप से पढ़ता हूं आज भी। कोई ये बात सोच करके हंस सकता है कि 70 साल की उम्र में भी ये आदमी क्या पागल हो गया है, इतना पढ़ना लिखना करता है। लेकिन मेरी आदत है, 3 से 4 घंटा कम से कम मैं रेगुलर पढ़ता हूं और पूरी दुनिया में क्या चीज चल रही है अपडेट रहता हूं। मेडिकल साइंस में क्या नई रिसर्च चल रही है, कौन सी बीमारियां कहां चल रही है, क्या क्या हो रहा है उथल पुथल, और फार्मा कंपनियां क्या क्या कर रही है, इन सब पर मेरी नजर रखने की आदत है, ताकि मैं उन सभी का तोड़ घरेलू ट्रीटमेंट में, प्राकृतिक उपचार में उनका तोड़ ढूंढ सकूं और लोगों को बता सकूं कि भाई आप ये करिए ताकि आप इससे बच जाएंगे। तो अभी जो दुनिया के सामने ये महामारी का खतरा पैदा हो गया है और WHO ने चेतावनी दे दी है, मीटिंग में सारी बात बता दी है, ट्रेडोस ने कहा कि एक और महामारी कभी भी आ सकती है जिससे भयंकर बीमारी फैल सकती है और भारी संख्या में लोगों की मौत हो सकती है। ये WHO का कहना है, ट्रेडोस का कहना है, जो इसके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के WHO के चीफ हैं। उन्होंने कहा हमें इसका सामना करने के लिए सामूहिक रूप से तैयार रहना चाहिए। बेशक दुनिया भर में कोविड का प्रकोप कम हुआ है, लेकिन अभी भी एक अन्य प्रकार की महामारी की संभावना बनी हुई है। इससे मरीजों और मौतों की संख्या में काफी इजाफा होगा, ये उनका कहना है। WHO ने कुछ ऐसे ही संक्रामक रोगों की पहचान की है जो अगली महामारी का कारण बन सकते हैं। इन बीमारियों में इबोला वायरस, मारबर्ग, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, COVID-19, जीका और शायद सबसे भयानक डिजीज एक्स,
इसका नाम दिया है डिजीज एक्स। डिजीज एक्स एक टर्म है जिसका इस्तेमाल WHO द्वारा प्लेस होल्डर के रूप में एक ऐसी बीमारी का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मानव संक्रमण के कारण पैदा होता है और मेडिकल साइंस के लिए अज्ञात है, जिसके बारे में मेडिकल साइंस को कोई जानकारी नहीं है। ऐसी एक अज्ञात बीमारी या महामारी का जो है नाम, वो है, ये नाम देते हैं डिजीज एक्स। इसे आसान भाषा में ऐसे समझे कि भाई डिजीज एक्स ऐसा टर्म है जिसका इस्तेमाल ऐसी बीमारी या ऐसे संक्रमण के लिए किया जाता है जिसके बारे में मौजूदा हालात में किसी को नहीं पता होता है। उदाहरण के लिए WHO ने डिजीज एक्स का पहली बार साल 2018 में इस्तेमाल किया और उसके अगले साल यानी 2019 में कोरोना वायरस जैसी महामारी पैदा हो गई। तो ये डिजीज एक्स अब भी इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि उन्हें महामारी का खतरा लग रहा है कि बहुत जल्दी कोई महामारी पूरी दुनिया में फैलने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि डिजीज एक्स कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया या फंगस हो सकता है और चिंता की बात यह है कि यह जो भी हो इसके लिए कोई टीका या उपचार नहीं होगा, जैसे कोरोना का कोई टीका या उपचार नहीं था। जाहिर है कोरोना वायरस के मामले में भी ऐसा ही था। जानवरों में ये डिजीज फैल सकती है। कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगली डिजीज एक्स जेनेटिक होगा, जिसका अर्थ है कि यह जंगली या घरेलू जानवरों में पैदा होगा, फिर मनुष्यों को संक्रमित करेगा। इबोला, HIV एड्स और COVID-19 जूनोटिक प्रकोप थे। इसी तरह से ये वायरस जो है ये इस बीमारी या इस महामारी का कारण वायरस और बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगली महामारी किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से भी फैल सकती है। यह भी माना जा रहा है कि डिजीज एक्स किसी प्रयोगशाला दुर्घटना या बायोलॉजिकल अटैक की वजह से भी पैदा हो सकती है, क्योंकि सभी देश, बड़े बड़े देश जैविक हथियार बनाने में मशगूल हैं और उनकी प्रयोगशाला से कभी भी कुछ भी हो सकता है। डिजीज एक्स के प्रकोप को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए दुनिया भर में मेडिकल एक्सपर्ट सभी संभावित उपाय, रिसर्च और निगरानी कर रहे हैं। कुल मिलाकर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि COVID-19 महामारी दुनिया पर कहर बरपाने वाली पहली या आखिरी बीमारी नहीं है। दुनिया को अगले प्रकोप के लिए तैयार रहने की जरूरत है। WHO ने कुछ संक्रमणों और बीमारियों की एक लिस्ट बनाई है जो अगली महामारी का कारण बन सकते हैं। इनमें से अब कुछ नाम पहले से जानते हैं, जैसे इबोला, सॉर्स और जीका, लेकिन इस लिस्ट में एक भयानक नाम डिजीज एक्स है। इसके अलावा मार्बर्ग वायरस, क्रीमियन कांगो, हीमोरेगिक फीवर, लस्सा फीवर, निपाह और हेनीपाविर डिजीज, रिफ्ट वैली फीवर और मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आदि शामिल है। ये बहुत सारे नाम जो है आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे। एक और मैं बात निवेदन कर देना चाहता हूँ, चेन्नई इस बात की गवाह है, चेन्नई शहर इस बात के गवाह है, वहाँ के सैकड़ों लोग इस बात के गवाह हैं कि जब कोविड का पहला फेज पूरा हो रहा था, चेन्नई में मेरे 3 हेल्थ केयर सेमिनार थे और तीनों हेल्थ केयर सेमिनार में मैंने बाकायदा चार्ट बना करके लोगों को बताया था कि ये जो रेमडेसिविर, फेविपिरावीर वगैरह, ये जितना भी और जितने भी आप हैवी ये जो मेडिसिंस ले रहे हैं, है ना, स्टेराइड ले रहे हैं, वे सभी आप लोगों के लिए घातक हो सकती हैं। और COVID-2 के टाइम में ये सारा का सारा पोल पट्टी सामने आ गई, कितना खतरनाक था वो। उस टाइम में ही मैंने जो बार बार पेट सीटी वगैरह सब कराने की जो सारी चीजें हो रही थी, उस समय भी उनको रोकने और लोगों को सावधान करने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया और सबको ने आम कहा है, मैंने स्पष्ट रूप से बाकायदा चार्ट बना बना करके समझाया है। जितने लोग समझ गए, संभल गए, उनका कुछ नहीं हुआ, कोविड आया भी वो निकल गया, लेकिन जितने लोगों ने
उस बात को मजाक में लिया, मजाक उड़ाया, या सोचा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फालतू की बकवास है। वो सामने नजारा है, कितने लोगों ने, लाखों लोगों ने दम तोड़ा है, वो आपने देखा है। मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं। मैं अभी भी इस तरह की कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, लेकिन जो इन्होंने WHO ने आपको वार्न किया है, WHO ने जो कहा है पूरी दुनिया भर के विशेषज्ञों की मीटिंग में जेनेवा में, मैं केवल उसी बात को लेकर के आप लोगों को सावधान करना चाह रहा हूं कि सावधान हो जाइए और अभी से अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करिए, क्योंकि कोई भी बीमारी आपको तभी जकड़ती है जब आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। जैसा मैंने शुरू में कहा, आपका खान पान, आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं हो, इसलिए आने वाली मुसीबत का मुकाबला करने के लिए आप अभी से सावधान हो जाइए। मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा, कोई डरा नहीं रहा, कोई धमका नहीं रहा, किसी भी प्रकार का भय क्रिएट करने की मेरी कोशिश नहीं है। मैं सिर्फ सावधानी दिला रहा हूं ताकि आप लोग सावधान होकर के अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग कर लें कि 50 बीमारों के बीच में आप हो तब भी आपको वो वायरस या वो बीमारी या जो भी डिजीज एक्स है आप पर आक्रमण न कर सके। और उसके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है, हमने जो सूप बताया हुआ है आपको, वो सूप हम इस वीडियो के एंड में भी उस सूप का आपको लिंक लगा देंगे, तो वो सूप घर में जरूर बना करके पीना शुरू करिए। वैसे भी अभी क्लाइमेटिक कंडीशंस इस तरह से चल रही है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बारिश, बिल्कुल अनसर्टेन है, बिल्कुल अनिश्चितता का माहौल है। मौसम जो 20, 25, 50 साल पहले जो मौसम का एक स्तर था कि अमुक टाइम में गर्मी पड़ेगी, अमुक टाइम में सर्दी होगी, अमुक टाइम में ही बारिश होगी, और बीच में कभी सर्दी में एक आध बारिश होगी, कोयडा जिसको बोलते हैं, तो वो होगा, तो वो सारी परिस्थितियां आज वातावरण बदल गया है। हमने प्रकृति के साथ इतना ज्यादा खिलवाड़ किया है, हमारी सरकारों ने कभी भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, और उसी के कारण आज ऐसी नौबत आ गई, ऐसी परिस्थितियां आ गई कि प्रकृति भी हमारा साथ नहीं दे रही है। उसका कारण है हम लोगों ने प्रकृति के साथ गलत काम किया, प्रकृति का दोहन किया, प्रकृति को नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश की। तो इसलिए मेरा निवेदन है बहुत विनम्रता से कि हमें यदि वापस से सही होना है तो प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा, प्राकृतिक चीजों की, प्राकृतिक संसाधनों की रखवाली करनी पड़ेगी, उन्हें सहेजना पड़ेगा और अपने जीवन में भी प्राकृतिक चीजों को अपनाना पड़ेगा। तो सूप, चटनी, जो मैंने चटनी की एक रेसिपी बता रखी है जिसमें हरे धनिया की चटनी प्रायः हर घर में बनती है, बस मेरा उसमें केवल एक ही अमेंडमेंट है, हरा धनिया जितना लेते हैं उतना ही पुदीना भी लीजिए, उतना ही कड़ी पत्ते भी लीजिए, बाकी के इंग्रेडिएंट सारे के सारे वो। फिर भी हम इसका भी लिंक आपको एंड स्क्रीन में लगा रहे हैं, तो आप वीडियो को देखिएगा। तो सूप पीजिए, चटनी का उपयोग करिए, पानी पूरा पीजिए, पानी में कंजूसी मत करिए, मैं बार बार समझाता हूँ आप लोगों को, पानी पूरा पीजिए, बहुत कम पानी पीते हैं लोग, पानी पूरा पीजिए, भरपेट पानी पीजिए और यूरिन को मत रोकिए, यूरिन के चक्कर में पानी कम पीना मत शुरू करिए कि बार बार पेशाब आएगा, ऐसी धारणाएं मत बनाइए। कब्ज ना रहे ये 100% पक्का रहना चाहिए कि मुझे कब्ज की शिकायत कभी ना रहे। उसके लिए जो भी आपका खान पान है उसको ठीक करिए। कब्ज दूर करने के लिए किसी भी प्रकार के चूर्ण वगैरह से बचिए, बाजार में जो तेजाबी चूर्ण मिलते हैं या और कोई दूसरे चूर्ण मिलते हैं, पेट सफा, फलाना सफा, जो बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, सबसे बचिए, आपकी आंतों को काटेंगे। यहां तक कि त्रिफला का चूर्ण भी बहुत ज्यादा और नियमित रूप से इस्तेमाल करना घातक है आंतों के लिए, पेट की आंतों का काम आंतों को ही करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे तरीके और हमने अपने कब्ज के वीडियोस के अंदर बहुत सारी चीजें बता रखी, उनको देखिए। इसी तरह से यदि आप चाय या दूध पीते हैं तो उनमें मसाले का उपयोग जरूर करिए। चाय पीते हैं तो एक लौंग, दो काली मिर्च, 3-4 तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा अदरक, ये जरूर डालिए। चाय को बहुत कड़क मत करिए, मसाले को उबालिए बेशक, लेकिन चाय की पत्ती को बहुत ज्यादा उबालिए मत,
चाय की पत्ती सबसे लास्ट में डाल करके और हिला करके छान करके चाय पीजिए, लाइट चाय, लेकिन मसाले की चाय। इसी तरह से यदि दूध पीते हैं तो दूध के लिए भी हमने बहुत सारे मसाले बता रखे हैं, वो मसालों का उपयोग करके और दूध पीजिए। प्लेन दूध मत पीजिए, क्योंकि प्लेन दूध कफ कारक होता है, कब्ज कारक होता है। और एक दूसरी बात ये भी ध्यान में रखिए, मैंने दूध के बारे में बार बार कहा है कि दूध असली है या नकली है, ये भी परख लीजिए। दूध पीना कोई ज़रूरी नहीं है, दूध के बजाय आप दूसरी बहुत सारी चीज़ें जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हैं, जो हमने अपने वीडियोज़ के अंदर टाइम टू टाइम बताया है। ड्राई फ्रूट्स का सेवन करिए, सवेरे सवेरे खाली पेट ड्राई फ्रूट्स का उपयोग करिए, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी, बेरीज का उपयोग करिए। भी जो लोग ड्राई फ्रूट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा देश इतना सामर्थ्यवान नहीं है, पैसा पूंजीपतियों के पास जा रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, मिडिल क्लास का कचूमर निकल रहा है, तो मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग ड्राई फ्रूट्स को अफोर्ड कर सकते हैं। जो लोग ड्राई फ्रूट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वे रात में मूंगफली भिगो करके सवेरे मूंगफली खा सकते हैं, गुड़ चना खा सकते हैं। गुड़ चना आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, घुटनों में भी ताकत देगा। फास्ट फूड, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, इनसे बचिए। टेक जूस, रेडीमेड फूड, फूड सप्लीमेंट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इनसे बचिए और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए, ताकि ये जो डिजीज एक्स का प्रकोप बताया जा रहा है या ये जो महामारी के रूप में आने वाली है, इससे हम अपना बचाव कर सकें। बचाव ही उपाय है। धन्यवाद।